सरकारी पैसे को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी वानगी मात्र है। हसनगंज प्रखंड के बलुआ पंचायत में बड़की रटनी से छोटकी रटनी को जोड़ने वाली कच्ची सड़क बदहाल है, अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। आने जाने वालों की कैसी हालत होती होगी, आप सड़क की मौजूदा स्थिति देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। परेशानी तो ऐसा झेलना पड़ रहा है कि एक तरफ देखिए कि बोला जाता है कि नहीं विकास विकास हो रहा है, विकास है, दूसरे तरफ देखिए ये कैसा विकास हो रहा है, जो कि हम लोग जो है कि बहुत कठिनाई जीवन हम लोग को जीना पड़ता है ये रोड में आने जाने के लिए। कच्ची सड़क की हालत इतनी भयावह हो गई है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। सनोली हाट प्लस जो है सूर्या हाट जो हम लोग के लिए मुख्य मार्ग है, जो कि आने जाने में बहुत इसमें कठिनाई होती है। बरसात के समय में इसमें इतना एक एक ठेढ़ा मतलब कीचड़ हो जाता है और इसमें तो पैदल चलना भी असंभव हो जाती है बरसात के समय में। आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आने जाने में बरसात के टाइम में खेती गृहस्थी का फसल पानी ले जाने में उलट जाता है, आदमी पिछड़ जाता है, गाड़ी लेके उलट जाता है। इस सड़क पर पिछले साल मनरेगा योजना से मिट्टी भराई का कार्य भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सड़क की हालत दयनीय बनी रही। विभागीय उदासीनता के चलते आज लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे जो है कि बड़की रटनी से ग्रामीण छोटकी रटनी जाने की अवस्था में रोड की जो है पूरा एकदम कीचड़ की तरह हो जाती है, जाने आने में हम लोग को परेशानी भी होती है। सरकारी दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन कैसा विकास हो रहा है ये तस्वीरें उसकी वानगी मात्र हैं। मुकेश कुमार, टाइम्स न्यूज़, हसनगंज।